अस्सलाम वालेकुम हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके बहुत ही फेमस चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, सुपर आसान, सुपर डिलीशियस, एकदम लाजवाब। चलते हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग इंस्ट्रक्शन की तरफ। बिस्मिल्लाह करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन, क्योंकि चिकन हांडी है तो हम लोग इस्तेमाल करें बोनलेस चिकन थाइस। फिर हमारे पास प्याज है, लहसुन अदरक, ग्रीन कैप्सिकम, टमाटो, हरी मिर्चें, दही, और हम लोग इस्तेमाल करें बटर और फ्रेश क्रीम। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस सुपर आसान सुपर डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी की। गाइस आप लोग स्क्रीन पे तमाम इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, इनकी क्वांटिटी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है गाइस। तो गाइस हमने कुछ चीज़ों को जो है अच्छे से कट कर लिया, और फिर हमारे पास साथ में है हमारे रोस्टेड कैश्यू। गाइस अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग प्याज को कट कर लेंगे रफली स्लाइसेस में, देख लीजिए, और फिर हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाए थोड़े से पानी के साथ, ठीक है गाइस। आप लोग ये स्टेप जो है वो नॉर्मल स्टफ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइम सेव करने के लिए हमने इसको अवन में बनाया है, ठीक है गाइस। हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, देख लीजिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसको डालेंगे अपने ब्लेंडर में और हम इसको अच्छे से ग्राइंड करके एक ज़बरदस्त सा स्मूथ सा पेस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो देख लीजिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का प्याजों का, पके हुए प्याजों का पेस्ट तैयार है। अब हम एक बड़ा सा पैन लेंगे और उसमें डालेंगे क्या, कुकिंग ऑयल। तो आप लोग कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। हम लोग इसमें 5-6 टेबल स्पून हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल का, ठीक है गाइस। और हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर हम डाल रहे हैं इसके अंदर क्या चीज़, हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि है हमारा बटर। तो गाइस हम लोग इसमें जो है वो 100 ग्राम्स करीब बटर डाल दिया है, बड़ा पीस, ठीक है। और ये हमारा एक्चुअली सॉल्टेड बटर है, तो हम लोग बहुत ख्याल रखेंगे कि हमारा सॉल्ट जो है वो हमारी चिकन हांडी में बैलेंस रहे, ठीक है गाइस। तो हम इसको अच्छे से जो है वो मेल्ट कर लेंगे और ज़बरदस्त किस्म का हम ऑयल बनाएंगे। बटर और ऑयल को मिक्स करके ज़बरदस्त इन्फ्यूजन करेंगे गाइस। देख लीजिए ज़बरदस्त किस्म से बबल्स आ रहे हैं, बहुत ही लशपश सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की हमारी हांडी बन रही है गाइस। मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं अपना अनियन पेस्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले तैयार किया था गाइस। ऑनियन पेस्ट डाल दिया, अब हमने इसको अच्छे से भूनना है अपने ऑयल और अपने बटर के साथ, ताकि ज़बरदस्त किस्म से हमारा जो मसाला तैयार हो जाए हमारे चिकन हांडी की ग्रेवी के लिए। तो लशपश किस्म से हमने इसको भूनना है गाइस, ताकि इसकी अपनी खुशबू, एक अपना जो है इसका अरोमा वो निकलना शुरू हो जाए, ठीक है गाइस। तो लशपश तरीके से हमने 2-3 मिनट तक हमने इसको भूना है गाइस। अब हम चलते हैं मसालों की तरफ, जो कि जान है हमारी चिकन हांडी का, जिसमें हमारे पास है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, काली मिर्च, नमक, क्रश लाल मिर्च और क्रश की भी इलायची और क्रश किए हुए सेसमी सीड यानी कि तिल। तो गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा फ्लेवर बनाएंगे लशपश सा। और फिर हम जो 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम गार्निशिंग में डालेंगे एंड में, जो ये मसाले हैं वो है हमारे पास सूखी मेथी, कसूरी मेथी यानी कि ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स, और फिर है हमारे पास गरम मसाला पाउडर। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो है ऐसी जो हम अपने हांडी में पकाते हुए नहीं डालेंगे, हम इसको ऐड में डालेंगे गाइस। अब आपको दिखाते हैं, देख लीजिए ज़बरदस्त किस्म से हमारे प्याज जो हैं लशपश तरीके से भुन चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और देख लीजिए ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है। तो जब भी आप खाना बना रहे हो, तो जब भुनाई देखनी हो, तो आप ऑयल आए तो समझ जाइए कि आपकी जो है वो भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं गाइस क्रश किया हुआ हमारा लहसुन अदरक, ठीक है, जो हमने चटू डंडे में यानी कि हमाल दस्ते में हमने इसको कूटा था। ज़बरदस्त तरीके से अब हम इसको भूनेंगे अपने लहसुन अदरक को प्याजों के साथ, बटर के साथ, ऑयल के साथ। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डिलीशियस सुपर आसान और एकदम लशपश रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बन रही है आपके मेन्यू में। तो ये मेरी 100% गारंटी है 4 चांद लगा देगी, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, और आपके मेहमान और आपकी फैमिली तो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधती रहेगी। तो लशपश सी रेसिपी है, बहुत आसान और बहुत टेस्टफुल, बहुत ही फ्लेवरफुल, सुपर हेल्दी और ज़बरदस्त किस्म की। अब आप रेस्टोरेंट की हांडी भूल जाएं और घर पे बनाएं और घर पे इंजॉय कीजिए गाइस। देख लीजिए अच्छे से, अब हमारा तमाम जो है वो लहसुन अदरक प्याज भुन चुके हैं। अब आप इसके डाल रहे हैं अपने चिकन थाइस। आप लोग कोई सी भी चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें चिकन थाइस पसंद है तो हम लोग चिकन थाइस डाल रहे हैं, जिनको हमने 2 हिस्सों में कट कर लिए। तो गाइस देख लीजिए हमारा चिकन कितने खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये हम लोग 1 किलो के करीब चिकन थाइस इस्तेमाल करें यानी कि 1000 ग्राम्स, ठीक है, और लशपश ही हमारी चिकन है। और थाइस हम लोग इसलिए इस्तेमाल करें गाइस क्योंकि थाइस का जो गोश्त है बहुत ही टेंडर है, बहुत ही जूसी है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। अब हम अच्छे से अपनी इस चिकन को अपने लहसुन अदरक, अपने प्याज, बटर और ऑयल के अच्छे से हमने इसको भूनना है 5 मिनट तक गाइस। ये याद रखिएगा, जितनी अच्छी बनाई उतनी ही ज़बरदस्त हांडी
आपके लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है गाइस, हमने लशपश तरीके से इसको अच्छे से भूनना है, जबरदस्त किस्म से भुनाई करनी। देख लीजिए गाइस, हमारे लशपश तरीके से हमारी चिकन हांडी भुन चुकी है जबरदस्त तरीके से चिकन। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, मैजिकल मसाले। मसालों के बगैर तो हमारी चिकन हांडी इनकम्प्लीट है। ठीक है गाइस, तो हमने इसके अंदर मसाले डाल दिए। अब हम अपने तमाम मसालों को अच्छे से भुनाई करेंगे गाइस, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जबरदस्त तरीके से हमने इसको भूनना है, ताकि तमाम मसाले जो है वो भुन जाएं और उनकी अपनी खुशबू, अपनी महक आने लग जाए। दूसरी तरफ हम चलते हैं गाइस, जब हम डालेंगे योगर्ट। हम लोग लेंगे योगर्ट, योगर्ट आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 200 ग्राम्स करीब हम लोग योगर्ट लेंगे, और इसको हम अच्छे से विस्क करेंगे गाइस जबरदस्त तरीके से, ताकि बिल्कुल भी लंप ना रहे और योगर्ट हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। हम लोगों ने स्मूथ योगर्ट डालनी है, तो हम बीटर या विस्कर की मदद से इसको कर लेंगे। तो गाइस देख लीजिए, लशपश तरीके से हमारी जो है वो योगर्ट स्मूथ हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही लशपश सा फ्लेवर क्रिएट करेगी हमारी ये दही योगर्ट। और अब हम इसके डाल रहे हैं अपनी फैटी हुई दही जो हमने बीट की थी गाइस, और हम दही डालें। इस टाइम पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका चूल्हा जो है वो तेज़ आँच पर होना चाहिए और आप पकाते रहें जल्दी जल्दी, ताकि क्या होगा इससे अगर आप इसको स्लो कर देंगे तो आपकी दही फटने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है गाइस, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस दही को अपने मसालों के साथ, अपनी चिकन के साथ, अपने बटर के साथ। तो लशपश तरीके से हमने इसको भूनना है, इसको भी हमने 5 मिनट देने हैं तेज़ आंच पे, ताकि हमारे अच्छे से दही और मसाले और चिकन जो है वो वेल कम्बाइन हो जाए। ठीक है गाइस, देख लीजिए लशपश किस्म से हमारे दही, हमारे चिकन, मसाले ज़बरदस्त किस्म से जो है वो भुन चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं ऑयल सरफेस पे आ चुका है और ज़बरदस्त किस्म से भुनाई हो चुकी है। अब हम क्या डालेंगे इसके अंदर, हमारी स्टार ऑफ द डिश हमारी चिकन हांडी की, जो कि है हमारे काजू, रोस्टेड कैश्यूज हम डाल रहे हैं इसके अंदर। 2 किस्म के कैश्यूज होते हैं गाइस, एक जो है वो रॉ होते हैं जिनको रोस्ट नहीं किया जाता, और दूसरा जो है वो रोस्टेड कैश्यूज होते हैं। तो हम लोग रोस्टेड कैश्यूज डाल रहे हैं, इनको हमने थोड़ा थोड़ा इसको कट कर लिया था, और देख लीजिए हमने डाल दिए। अब हम डाल रहे हैं 2nd स्टार हमारी इस डिश का, जो कि है फ्रेश क्रीम। हम जो है वो 2 बड़े चम्मच भर के डालेंगे इसके अंदर फ्रेश क्रीम के गाइस। ठीक है गाइस, अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस चिकन हांडी मेरी बहुत ही फेवरेट डिशों में से एक डिश है, और बहुत ही आसान होती है, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर बनता है। आपको वाकई में ही मेरी गारंटी है बहुत पसंद आएगी ये डिश, और एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी कैसी लगी। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए हमारे अच्छे से तमाम मसाले, क्रीम सब कुछ मिक्स हो चुका है, और ये फाइनल स्टेज है। अब इसके अंदर डालेंगे हम स्क्वायर शेप में कट हुए हुए हमारे टमाटर, हमारे जो है वो शिमला मिर्च यानी कि ग्रीन पेपर, और जूलियन कटी हुई अदरक यानी कि जिंजर, और साथ में डालेंगे थोड़े से हमारे रोस्टेड कैश्यूज यानी कि काजू। ठीक है गाइस, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का लुक देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर भी क्रिएट करेंगे। अब हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, हम इसके फाइनल स्टेज पे हैं। ठीक है गाइस, और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की डिश है कि आप बस मुझे दुआएं देंगे कि क्या रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है, लशपश सी रेसिपी। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए हमारी तमाम जो है वो चीज़ें इसमें डल रही हैं, और हम सब कुछ डाल चुके हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही, बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा उठ रहा है लशपश सा, और बहुत ज़बरदस्त हमारा किचन पूरा महक उठा है इस चिकन हांडी की खुशबू से। ठीक है गाइस, अब हम डाल रहे हैं एंड में डालेंगे इसके अंदर 2 हरी मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज, और इसको हम अच्छे से जो है वो सिर्फ 1 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे, 1 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो हमने चीज़ें डाली हैं इसके अंदर, ग्रीन पेपर, टमाटो, अदरक और कैश्यू, इनका भी फ्लेवर जो है रस बस जाए, इनमें कच्चापन रहे, थोड़ा सा ये पक जाए, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना हमने। तो गाइस देख लीजिए हमारी ज़बरदस्त क्रीमी, सुपर रिच, सुपर फ्लेवरफुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी चिकन हांडी तैयार है लशपश सी। लेकिन एक चीज़ रह गई है, वो क्या, हमारे गार्निशिंग के मसाले। तो गाइस देख लीजिए हमारी जो है चिकन हांडी तैयार है ज़बरदस्त किस्म की। अब हम जो है वो इसके अंदर डालने वाले हैं हमारे गार्निशिंग के मसाले, जिसमें हमारे पास मेथी है, कसूरी मेथी और गरम मसाला। ठीक है गाइस, अब हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा से एक दफ़ा स्टिर करेंगे, एक दफ़ा चम्मच चलाएँगे हल्के हाथ से, और देख लीजिए लशपश किस्म की हमारी सुपर ज़बरदस्त, सुपर कमाल धमाल हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी तैयार है। हल्का सा ऑयल ऊपर आ चुका है, और अब हम इसको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए दम पे रख देंगे, ताकि थोड़ा सा इसका दम आ जाए। और गाइस देख लीजिए हमारी लशपश सी चिकन हांडी तैयार है, हमने इसको गार्निश किया है थोड़ी सी अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ और काजू के साथ। आप इसको एंजॉय कीजिए रोटी के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ। मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। कल मिलते हैं फिर हम एक और नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, बाय।